PSIC, UDC और स्टेनो का रिजल्ट कब आएगा? आप सभी बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं, चाहे वो UDC के एस्पिरेंट हो चाहे वो स्टेनो के एस्पिरेंट हो। अब ऐसे में कई बार ग्रुप में मैंने देखा है कि कई बार आप सभी ने चर्चा भी करी, फिर बहसबाजी भी काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन यहाँ पर मैं अभी जो बताऊँगा वो आप ध्यान से सुनेगा। होता क्या है कि जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप काम करने लगते हो तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे उस डिपार्टमेंट की जितनी भी चीज़ें होती हैं आप सभी को पता लग जाती हैं। ऐसे में क्या होता है कि भाई आपको ऑलरेडी बताया गया है कि भाई UDC के जो अलग अलग रीजन में आपके CST हुए, स्टेनो में स्किल टेस्ट हुए हैं, सारे आपके हेडक्वार्टर गए हैं। और अभी जो सबसे बड़ा काम चल रहा है, अभी बीच में MTS की ज्वाइनिंग रोकी गई। क्यों? क्योंकि भाई 22 अक्टूबर को जो आपका प्रोग्राम था जिसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने थे, जिसके कारण से आपकी रोकी गई थी, ठीक है। और अभी जो मेन फोकस जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि भाई नेक्स्ट 1 या 2 ईयर में भाई किस तरीके से आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी अलग अलग पोस्ट पे आप सभी की करी जाएगी। ऐसे में अभी कई बार रिपोर्ट जो है वो आप सभी की मंगाई गई है DOPT के द्वारा भी। तो हो सकता है कि बहुत से ऐसे काम है जो आपके ESIC के हेडक्वार्टर में चल रहे हो। जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो तो आपको ये चीज़ पता चलती है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाई प्रायोरिटी बेसिस पे अभी काम करना है और किस चीज़ को डिले करना है। ऐसे में रिजल्ट जो है वो आपका हो सकता है कि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपका रिजल्ट जो है वो आपका डिले हो रहा हो, क्योंकि उन लोगों को क्या रहता है कि जैसे ही रिजल्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा और उसके बाद रिजल्ट कब अनाउंस करना है इसका कोई भी डेट नहीं वो डिसाइड करते हैं। जैसे ही आपका पूरा काम कंप्लीट हुआ तुरंत वो रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ रीजंस की वजह से, देखो आप सभी को पता है कि भाई चाहे आप हो चाहे कोई अदर पर्सन हो, जब किसी भी डिपार्टमेंट में जाता है तो आपको पता है कि भाई काम जो होता है वो आपका प्रोसीजर के हिसाब से होता है कि भाई कौन सा काम हाई प्रायोरिटी बेसिस पे है, कौन सा काम आपका बाद में टाला जा सकता है। तो रिजल्ट जो है वो हो सकता है कि बाद में लेट भी निकाला जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे काम जो होते हैं जो आपके हाई प्रायोरिटी बेसिस पे आपके रहते हैं। और आपको ये चीज़ पता है या नहीं भी पता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हर अलग अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओवरऑल जब आप ज्वाइन करोगे ESIC के किसी भी आपके सेक्शन में तो आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी कि भाई स्टाफ की रिक्वायरमेंट आपकी हर जगह पे है। लेकिन कम स्टाफ होने के कारण उन लोगों को भी 7 7 8 8 बजे तक भी आपका काम करना पड़ता है, जिसके कारण से कई बार डिले भी हो जाता है। तो इस वजह से जो आपका रिजल्ट है उसमें भी आपका डिले जो है वो आप सभी का किया जा रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल आप सभी को अभी को ये लग रहा है कि अरे यार ये तो फर्जी बातें हैं, लेकिन ये फर्जी बातें बिल्कुल भी नहीं है। जब आप खुद काम करोगे ना तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ओवरऑल आप सभी को कहीं ना कहीं रिजल्ट की पूरी आस है, और मैं भी उसमें हूँ कि भाई जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग का प्रोसीजर चालू होगा, फिर आपकी सैलरी, ये बहुत सी ऐसी नाना प्रकार चीज़ें और आपके मन में जो टेंशनें चल रही हैं, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, तो ओवरऑल इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि अभी रिजल्ट कब आएगा इसको छोड़ के आगे ये सोचो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम आगे कर कह सकते हैं कि बाकी जो अदर एग्जाम्स आपके आ रहे हैं उन पे फोकस कर सकते हैं, कि रिजल्ट को मन में लेके हम बैठे रह सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखो कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तो भी आप यहाँ रुकने वाले नहीं हो, तो आपको अगर आगे की जो आपकी प्रिपरेशन करनी तो अभी क्यों नहीं आप कर सकते हो, अभी आप करना स्टार्ट करो ना। आपको रिजल्ट जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो आएगा उससे हट के आप आगे क्या करना चाहते हो उसके बारे में भी सोचना आप स्टार्ट करो। रिजल्ट तो आपका जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा, तो आप क्यों लगातार इतना ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और अगर उसके बाद अगर आपका रिजल्ट में नहीं हुआ तो क्या करोगे, छोड़ दोगे पढ़ाई या आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करोगे? फिर कहोगे अरे यार इस एग्जाम के लिए इतना टाइम कम बचा है, ये बचा है CGL में, बताओ 1 महीना बचाओ क्या करें कैसे करें, स्ट्रेटजी 50 देखोगे, कुछ नहीं होने वाला है। जो समझदार और जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो हमेशा उस एग्जाम का रिजल्ट तो देखते ही देखते हैं, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करते रहते हैं कि मान लो इसमें अगर नहीं हुआ, मान लो अगर इसमें हुआ तो भी हमें यहाँ पे रुकना है, या बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी हमें लगातार प्रिपेयर करते रहना है, जिससे मुझे अपने घर के आसपास या मुझे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब जो है वो आप सभी को मिल सके। तो इस बारे में आप कोशिश करो ज़्यादा फोकस करने की, और रिजल्ट जो है वो आपका जिस हिसाब से आप सभी को बताया गया होगा कि भाई नवंबर में निकलेगा या अक्टूबर लास्ट में निकलेगा, तो उसके लिए आप पेशेंस रखो थोड़ा सा,
क्योंकि आपको एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता है। आप चाहे डिपार्टमेंट में फ़ोन कर लो, चाहे किसी को भी कर लो, कोई ये नहीं बता सकता है, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है। जब रिजल्ट प्रिपेयर होगा, फिर उस जो सीनियर ऑफिसर होगा उसके सिग्नेचर होंगे, फिर उसके ऊपर पुटअप होगा, जब फाइनल जो मेन जो अथॉरिटी उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, तब आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, किसी को एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, क्योंकि उसके अलावा भी उनके पास 50 काम ऐसे होते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखो, जिस दिन आप डिपार्टमेंट में जाओगे उस दिन ये सारी चीज़ें आप सभी को पता लग जाएंगी। तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान में रख के कहीं ना कहीं आप अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते रहो। ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में बाकी अदर एग्जाम्स के बारे के उसमें आप ध्यान भी ना दे पाओ, क्योंकि 2 ही साल हैं, 2 साल अच्छी वैकेंसी आएंगी, इसके बाद फिर आप समझ लो कि उतनी वैकेंसी आपकी नहीं आएंगी। तो 2 साल में अगर आपने अच्छी जॉब पा ली, अच्छी सैलरी वाली पा ली, तो ठीक है, नहीं तो भैया 0/0 सन्नाटा रहोगे। हमें ध्यान ध्यान कर लेना।